भारतीय सरकार अफगानिस्तान के नागरिकों को भारत में लाकर उनको इस बेहद मुश्किल की घड़ी में शरण देने के लिए कितनी ज्यादा सीरियस है, उसका अंदाजा भारतीय सरकार के नए कदमों से लगा सकते हैं। भारतीय सरकार ने अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए फिर से एक बड़ी घोषणा कर दी है, लेकिन वो बताने से पहले अफगानिस्तान से बड़ी सारी मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। पहले वन बाय वन मैं आपको वो बता दूं। पहली अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स का एक C-17 ग्लो मास्टर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आज सुबह करीब 4 बजे 290 यात्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयरबेस में लैंड करना था, जिसमें 220 भारतीय और 70 अफगान रिफ्यूजीज बताए जा रहे हैं। ये प्लेन पहले से तय समय पर लैंड हुआ है या फिर इसमें कोई डिले है, उसके बारे में तो खैर अभी तक कोई मेजर अपडेट नहीं निकल कर आई है। दूसरी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट है, जिसमें उन्होंने भारतीय सरकार से मांग की है कि भारत को अफगानिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट अशरफ गनी, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाकर बैठे हैं, हमें उनको भारत में इन्वाइट करना चाहिए, यानी उनको भारत में शरण देनी चाहिए, ताकि जब फ्यूचर में तालिबानी मॉडर्न US वेपन्स के साथ कश्मीर में घुसें, तब हम अशरफ गनी का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान की एमिग्रे गवर्नमेंट बना सकें जो भारत से ऑपरेट होगी। वैसे आपको सुब्रमण्यम स्वामी का ये सुझाव कैसा लगा? क्या अशरफ गनी को भारत लाना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तीसरी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड ये निकल कर आ रही है कि चाइना के शिनजियांग प्रांत को तुर्किस्तान बनाने के लिए जो जिहादी संगठन तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी खड़ा किया गया है, उसने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके अफगानिस्तान के तालिबानियों को बधाई और मुबारकबाद दी है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि सेम इसी तरह का इस्लामिक एमिरेट शिनजियांग प्रांत को चाइना से आजाद करवाकर तुर्किस्तान बनाने में भी तालिबान उनकी मदद करे। हालांकि तालिबान शायद ही चाइना के खिलाफ जाए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि तालिबान में भी कई लोग चाइना के शिनजियांग प्रांत के वीगर मुसलमानों से बहुत ही ज्यादा सहानुभूति रखते हैं, इसलिए चाइना के लिए भी ये खतरे की घंटी बज गई है। चौथी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें काबुल एयरपोर्ट पर एक अफगान माँ अपने बच्चे को तालिबानियों के डर से US फोर्सेस को सौंप देती है, ताकि वो उसको नहीं तो उसके बच्चे को ही अफगानिस्तान और तालिबान रेजिम से दूर ले जाएं। वैसे ये बेहद भावुक कर देने वाला सीन है। पांचवी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड ये निकल कर आ रही है कि पिछले कल अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्र दिवस था, जिस पर अफगानिस्तान के कई सारे लोगों ने सड़कों पर आकर एक चेन बनाकर 100 मीटर लंबे अफगानिस्तान के झंडे को लहराया। ये सारे लोग तालिबानियों द्वारा थोपे गए नए झंडे का विरोध कर रहे थे, लेकिन सच में दाद देनी होगी इन लोगों की हिम्मत की। छठी अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि पहले दिन महिलाओं को सारे अधिकार देने की बात बोलकर प्राइवेट न्यूज चैनल टोलो न्यूज की फीमेल एंकर को इंटरव्यू देकर तालिबान ने अपनी इमेज तो खूब चमकाई, लेकिन जो अफगानिस्तान का सरकारी न्यूज चैनल है उससे तालिबानियों ने सारी फीमेल एंकर्स को हटा दिया है और उनसे काम पर ना आने के लिए कह दिया गया है। सातवीं अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड निकल कर आ रही है कनाडा को लेकर। पहले कनाडा ने अफगानिस्तान में स्थित अपनी एम्बेसी की सिक्योरिटी में जो भारत और नेपाल के गुरखा थे उनको अफगानिस्तान से सेफली इवैक्यूएट करने से मना कर दिया था, जिसके पीछे कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो ने बहाना मारा था कि ये इंडियन और नेपाल के नागरिक हैं, हम इनको इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब चारों तरफ से आलोचना के बाद अब उन सभी गुरखा को काबुल से इवैक्यूएट कर दिया गया है। आठवीं अपडेट अफगानिस्तान से सिख और हिंदू कम्युनिटी के लोगों से आ रही है। दरअसल ये सभी लोग 3-4 दिन पहले कनाडा और US के सिख संगठनों से मांग कर रहे थे कि वो उन्हें US या फिर कनाडा में रिसेटल करवाएं, वहां पर शरण दिलाएं। लेकिन अब द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये लोग जो काबुल में गुरुद्वारा में छुपे हैं, इन्होंने भारतीय सरकार से अपील की है कि भारतीय सरकार कम से कम इनकी महिलाओं और बच्चों को इवैक्यूएट करके भारत लाए। नौवीं अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रही है। दरअसल DU प्रशासन ने पिछले कल अफगानिस्तान के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ एक मीटिंग की और वो स्टूडेंट्स जो भी दिक्कतें फेस कर रहे हैं उनके बारे में जाना। DU प्रशासन अब इन सभी स्टूडेंट्स को लंबे समय के लिए हॉस्टल और मेस फैसिलिटीज जैसी सुविधाएं देगा, साथ में इन सब स्टूडेंट्स की वीजा की अवधि बढ़ाने में भी इनकी मदद की जाएगी, क्योंकि इन सभी अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स ने अफगानिस्तान वापस जाने से मना कर दिया है। दसवीं और मेन अपडेट बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहें। लास्ट और मेन अपडेट आ रही है भारतीय सरकार से रिलेटेड। दरअसल मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि भारतीय सरकार ने जो अफगानिस्तान के नागरिक भारत में शरण लेना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल सेल बनाया था। पहले सेल को कॉन्टेक्ट करने के लिए एक ही ईमेल ID और एक ही फोन नंबर जारी किया गया था, लेकिन अब पिछले कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अफगानिस्तान के लिए सेल को कॉन्टेक्ट करने के लिए 3 और 4 नंबर और 3 WhatsApp नंबर जारी कर दिए हैं, ताकि जो लोग अफगानिस्तान से भारत आना चाहते हैं वो लोग फैसिलिटेट हो पाएं, उनको वीजा और बाकी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और बताया कि अफगानिस्तान में जो भी भारतीय फंसे हैं वो भी इसी स्पेशल अफगानिस्तान सेल में कॉन्टैक्ट करें।